अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरे चैनल पे आप लोगों को वेलकम है। ओके, आज मैं आपको करी बनाना सिखाऊंगी, ठीक है? जिसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ जल्दी जल्दी से। ये मेरे पास 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर है, 3 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर है, 2 टेबल स्पून सॉल्ट है, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 ऑनियन है जिसको मैंने चॉप कर लिया है बारीक बारीक, जिस तरह हम ऑमलेट बनाते हैं बड़ा वाला ऑनियन है। एक मेरे पास बेसन का पैकेट है जो 1 केजी के करीब है। हम 75 ग्राम जो है वो यूज़ करेंगे, और 1 केजी मेरे पास योगर्ट है वो भी हम 75 ग्राम जो है वो यूज़ करेंगे 3 पाव के करीब। तो ये मैं स्टार्ट करती हूँ। ये मैंने देश का ले लिया है। ओके जी, 150 ml जो है वो मैंने ऑयल लिया है। हम इसको स्टार्ट करेंगे। ऑयल जो है वो मैं देश के अंदर ऐड करूँगी, और जो मैंने अनियन चॉप किए हुए थे उनको हम अंदर करेंगे, और हल्की आंच पे इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। इसको जलाना नहीं है, इसको गोल्डन ब्राउन करना है। जैसे ये होता है फिर इसके अंदर हम जो मसाले हैं वो ऐड करेंगे। और दूसरी साइड पे जो है मैं इसकी वो बेसन की और योगर्ट की लस्सी बना लूँगी, यानी 375 ग्राम बेसन और 75 ग्राम योगर्ट, इनको मैं डाल के दोनों को अंदर जो है तकरीबन इस देश के में के मुताबिक, क्योंकि मैंने बड़ा लिया है वो पकेगी भी, 4 से 5 लीटर इसमें मैं पानी डालूंगी ताकि वो पकता रहे हल्की आंच पे, तकरीबन 4 से 5 घंटे पकता रहे और बेसन जो है वो गल जाए। तो जैसे ये प्याज होते हैं एक साइड पे हम लस्सी बनाते हैं। ये देखिए जी, एक जग में जो है मैं 75 ग्राम जो है वो बेसन निकाल लिया। अब इसी के अंदर जो है मैं 75 ग्राम जो है वो मैं डालूंगी योगर्ट। ये देखिए जी, 75 ग्राम जो है वो मैंने योगर्ट निकाल लिया। अब हम इसको बेसन के अंदर ऐड करेंगे, पानी ऐड करेंगे, और फिर इसकी एक इसका वो जो है वो बैटर तैयार करेंगे। ये देखिए जी, मैंने योगर्ट डाला, बेसन डाला, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, इतना कि वो जब मैं इसको इसका वो पेस्ट बनाऊँ तो बाहर ना निकले। तो मैंने पानी डाला इसके अंदर। तो अब इस ये तकरीबन मैं 3 जग के करीब, ये 3 से 4 जग के करीब मैं पानी डालूँगी। पहले इसकी हम वो बैटर इसका तैयार कर लें प्रॉपर, जो इसको ना जूसर में कर लें हम बेसन को और ये योगर्ट को और पानी को, ताकि ये एक मिक्सचर बन जाए जब मैंने वो डालना है। एक साइड पे ये अनियन हो रहे हैं, तो ये जैसे ही लाइट ब्राउन होते हैं तो हम इसके अंदर ये जो बैटर बना रहे हैं ये तैयार, ये इसको अंदर डालेंगे। मसाले डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, सॉरी, जब ये लाइट ब्राउन होगा तो उसको हल्का सा हम भूनेंगे, मतलब जिस तरह ये स्पाइसेस जो है वो सारे ठीक हो जाए, प्रॉपर जो मिर्चें हैं वो पक जाए, उसके बाद हम इसके अंदर ये सारे बैटर जो है वो डालेंगे। देखिए ये हो रहा है, इसको हमने बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं करना। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपने पानी इतना डालना है जिसमें बेसन पक जाए, और इसको हल्की आंच पे 4 से 5 घंटे आप इसको पकाते रहें। क्वांटिटी मैंने जो है वो ज़्यादा बताई है, क्योंकि मेरा बेसन ज़्यादा है, 75 ग्राम जो है वो मैं ये इसका बनाऊंगी लिक्विड, ठीक है, और 75 ग्राम जो है उसके मैं पकौड़े बनाने के लिए अलहदा से बेसन रेडी करूँगी। जैसे ये 75 ग्राम जो है वो मैं उसके पकौड़े बनाऊँगी जो लैदा से लूँगी, और उसका फिर मैं बनाती हूँ। पहले हम इसके अंदर ये बैटर डाल लें ताकि ये पकता रहे, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है, तो फिर साथ साथ हम उसको करते रहेंगे। ये देखिए जी, ये मैंने बैटर रेडी किया है, तो अभी तो मैंने इसको रेडी किया है, फिर इसके बाद हम 3 से 4 जग जो है पानी के और इसके अंदर डालेंगे, जैसे ही ये प्याज होता है। अभी थोड़ा सा और होता है तो इसके अंदर हम मसाले और पानी ऐड कर देंगे।
ओके, इस स्टेज पे हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। ये सारे मसाले ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जो मसाले हैं वो प्रॉपरली थोड़ा पक जाए। ये थोड़ा मसाला होता है, फिर इसके बाद हम जो है ना इसका बैटर बेसन का इसके अंदर ऐड करते हैं, ये 5-7 मिनट पक जाए ताकि वो मिर्चें जो है वो कच्ची ना रहे। ये देखिए जी मसाला हो रहा है, 1-2 मिनट और, 5 मिनट हो गए, 5-7 मिनट हो गए, 2 मिनट और करके उसके बाद हम इसके अंदर बैटर ऐड कर देंगे। देखिए जी ये हम इसके अंदर आराम आराम से बैटर ऐड करते जाएंगे, लस्सी योगर्ट और पानी का। अब ऐसा ही बड़ा जग हम इसको तकरीबन कोना जो है ना वो देश का पानी से भर देंगे ताकि ये तकरीबन 3-4 से 5 घंटे ये पकता रहे, 4 से 5 घंटे तक ये बेसन की जो स्मेल है और उसका टेस्ट जो कच्चापन है वो सब ख़त्म हो जाए। तो हम इसके अंदर पानी डालते हैं, एक मिनट। ये देखिए जी ये मैंने 75 ग्राम जो है वो मैंने लिया बेसन, 75 ग्राम मैंने लिया योगर्ट और उसके अंदर पानी डाल के मैं ये देखे जी ये पक रहा है, लेकिन अभी भी इसको मजीद और पकना है जब तक ये आधा तकरीबन रह जाए। मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आप देखे जाओ, ये देखें ये देखे जी ये पक रहा है और अभी इसमें काफ़ी पानी है, लेकिन आप देख रहे हैं इसका ये निशान देखे आप कितना पानी ड्राई हो गया है, लेकिन अभी मज़ीद पानी जो है वो ड्राई होगा, तकरीबन आधा और ड्राई हो जाएगा इसमें, फिर उसके बाद जो है हम इसको चेक करेंगे। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें काफ़ी हद तक जो है ना वो पानी ड्राई हो चुका है, यहाँ तक था पानी और अब यहाँ पे चला गया है, तो अभी भी इसमें थोड़ी सी कसर है। अब जितना ज़्यादा पकाओगे ना वो उतना ज़्यादा अच्छा उसका टेस्ट आएगा। ओके, तो अब मैं आपको इसके पकौड़े बनाने के लिए जो है वो चीज़ें बताती हूँ कि इसके लिए क्या क्या चाहिए। ये देखिए जी एक मैंने बाउल लिया, ये मैंने 10 के करीब साबुत रेड चिली ली है, आप ग्रीन चिली आपके पास है तो आप ग्रीन चिली डाल दो, ये 10-12 मैंने ली हैं। ये मैंने सूखा धनिया पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून मैंने सॉल्ट लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है रेड चिली पाउडर। ये अनियन मैंने चॉप कर लिए हैं 3 बड़े साइज़ के, ज़्यादा बड़े साइज़ के, क्योंकि आप जितने ज़्यादा अनियन डालोगे वो उतने ही सॉफ्ट और मज़े के बनेंगे। तो अब इन सब चीज़ों का हम एक बैटर बना लेंगे। ये मेरे पास बेसन है, आपको पता 75 ग्राम जो है वो मैंने वो उसमें डाला था, अब ये मेरे पास 1 किलो का है, 1 kg का एक पैकेट, इसमें से 75 ग्राम जो उसका मैं बैटर रेडी करूँगी। ये सारी चीज़ें हम अंदर डाल लेते हैं ताकि हमें इजी हो जाए। एक मिनट मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर दूँ ताकि आपको प्रॉपरली
ये जी मैंने तीन हिस्से डाल दिए हैं बेसन के और एक हिस्सा मैंने बचा लिया है। अब हम पानी के साथ इसका बैटर जो है वो बनाएंगे। ये हम पानी डाली जाएंगे और बैटर को को जो हम छोड़ देते हैं और हम आ जाते हैं करी की तरफ। करी आप देखें कितनी ज़बरदस्त पक रही है और काफ़ी हद तक वो ड्राई हो चुकी है। अभी हम इसको पकने देंगे और हम पकौड़े के लिए सामान वगैरह ऑयल और चीज़ें जो ना वो रेडी करते हैं। अच्छा जी, ये हमने तवे के ऊपर ऑयल डाला है। आप कढ़ाई में कर लें, आप पैन में कर लें। मेरे पास तवा जो सामने पड़ा हुआ था तो मैंने ये ले लिया। एक साइड पे आप उसको पकने दें करी को और दूसरी साइड पे जो है आप पकौड़े बनाते जाएं। मैं पहले एक बनाऊंगी और इसका नमक चेक करूंगी ताकि अगर कम है तो हम उसके अंदर ऐड कर दें। मैं छोटा सा बना के और इसको टेस्ट करूंगी। उसके बाद सारे पकौड़े बना बना के हम अलहदा से रख लेंगे, फिर बाद में उसको डालेंगे। अच्छा, इसमें ये है कि इसमें ऑयल का जो है ना वो आप, क्योंकि ऑयल इसमें ज़्यादा लगता है तो इसमें ये नहीं है, मैं आपको क्वांटिटी नहीं बता सकती हूँ। जैसे जैसे ऑयल ख़त्म होता है जब आप इस तरह डालें तवे पे, उसमें जितने पकौड़े बन जाएं आप वो बना लें, बाकी जो है वो फिर आप दोबारा और डालें और पकौड़े बनाई जाएँ। ठीक है, पकौड़े तो वो ऑयल में ही बनेंगे। ये बहुत मज़े की लगती है राइस के साथ, रोटी के साथ। आप इसको ट्राई करें, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। और देखें, मेरे लिए ये गिफ्ट है, जब आप मेरे पेज को लाइक करेंगे, उसको सब्सक्राइब करेंगे तो हमें तो यही खुशी होगी ना कि हम अगर एफर्ट कर रहे हैं तो उसका कुछ रिगार्ड मिल रहा है। तो रिगार्ड जो है आप ऐसे दे सकते हैं कि आप हमारे पेज को लाइक करें। तो बाकी ये कि आपको रेसिपीज़ जो हम सिखाते रहा करेंगे, आप उसको ज़रूर ट्राई किया करें। देखिए, ये मैंने सारे पकौड़े बना के रेडी कर लिए हैं और करी तकरीबन आधी से कम रह गई है। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त जो है ना उसका बेसन ये थिक हो गया और गल गया, प्रॉपर जो है ना वो पक गया हुआ, सॉरी। और अब हम इसका वो तड़का लगाएंगे। हम कैसे लगाना है ये आप देखें। ये थ्री टेबल स्पून सॉरी ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, 10 के करीब जो साबुत लाल मिर्चें, 10 के करीब जो है वो लौंग है, 10-15 जितने आप डालना चाहो। कई लोग पसंद करते कई नहीं करते, लेकिन ये अच्छा लगता है। 5 के करीब बादिया खताई है और 15-20 के करीब जो है ब्लैक पेपर है, साबुत काली मिर्च। इन सब का जो है ना मैं तड़का लगाऊंगी। ये ऑयल मैंने गर्म किया हुआ है, ये देखे जी, ये ऑयल मैंने डाल दिया वो तवे पर। इसमें मैं सारे ये सामान जो है वो डाल दूंगी, इसको हल्का सा जो है ना वो फ्राई करूंगी। डालेंगे करी के अंदर, ये देखिए जी, आप करी की शक्ल चेक करें, कितनी जबरदस्त, माशाल्लाह कितनी थिक हो गई है इसके अंदर। ये मसाले डालेंगे, ये देख रहे होंगे आपने जीरे का कितनी हद तक आप इसने इसको फ्राई करना है ना, बहुत ज्यादा जलाना है।
देखिए जी, ये देखिए जी, इसमें हम थोड़ा सा धनिया डाल देंगे, वो थोड़ा सा, और साथ ही इसके अंदर पकौड़े डाल देंगे ये सारे। इसके ऊपर हम जो है वो ढेर सारा डाल देंगे गरम मसाला। ये देखिए जी, अब मैं आपको इसको सर्व करके देती हूँ राइस के साथ। ये देखिए जी, ये आपकी, आप इसकी शक्ल चेक करें करी की, और एक साइड पे जो है वो मैं राइस बना रही हूँ जैसे ही होते हैं, तो फिर उसके बाद मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। आप करी की शक्ल देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है, इसका टेस्ट बहुत मज़े का है। मेहनत तो होती है लेकिन फिर यह है कि आप इंजॉय करके खाते हो। एक दफ़ा मेहनत कर लो, फिर इसमें यह है कि आप इसको सेव भी कर सकते हो, और आप इसको दोबारा जब तड़का लगाते हो ज़ीरे का, साबुत लाल मिर्च का, तो वो सेम जो है वो टेस्ट हो जाता है जैसे फ्रेश है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। खिले खिले पिच को उतार के मैं इसको दम लगाती हूँ। इसमें जो है हम वो 2 टेबलस्पून जो है वो डालेंगे। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम लगा देंगे, फिर हम इसको सर्व करते हैं। तो देखिए जी, राइस हमारे रेडी हो गए हैं। अब मैं इनको निकालती हूँ, राइस को और करी को। देखिए कितने खिले खिले राइस हैं, एक एक राइस जो है वो अलहदा अलहदा से है। ये देखें, क्योंकि चावल जो टूट जाए या जुरे जुरे से चावल हो ना, तो वो इतनी अच्छी उसकी ना तो टेस्ट आता है, और खाने में भी कोई इतने मज़ा नहीं आता। तो राइस जो है ना, आप उसको दम इस लिहाज से, इस तरीके से, इस टाइमिंग पे आप उसको, आप उसकी पीछे उतारो कि वो राइस टूटे भी ना और सही भी रहे। तो मैं आपको भी सर्व करके सारा मैं दिखाती हूँ। ये देखिए जी, करी की शक्ल। अब मैं करी को आपके सामने डालूंगी। मैंने बताया था कि अभी मैं दोबारा से इसको तड़का, क्योंकि मैंने ये सर्व करनी है अपनी फ्रेंड्स में। तो हम जब करी बनाते हैं तो हम सब एक दूसरे को बना के देते हैं, क्योंकि ये किस्म की सौगात है, तो सब लोग जो ना वो लाइक करते हैं। तो फिर मैं साथ साथ जो ना वो तड़का जब मैं लगाऊंगी तो वो और मज़े का लगेगा। तो ये मैं जस्ट प्रेजेंटेशन के लिए आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए जी, करी की शक्ल, राइस देखें, एक एक राइस अलहदा अलहदा से है। अब यहाँ पे हम थोड़ा गरम मसाला और डालेंगे, क्योंकि वो बहुत मज़े का लगता है। आप इसको बना के टेस्ट करें, आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप इसकी शक्ल देखें। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और अपना बहुत ख्याल रखें। यू टेक केयर फॉर योरसेल्फ। बाय।